स्वच्छकार समाज की आवाज में मैं डॉक्टर कौशल कुमार आप सबको जय भीम बोलती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम स्वच्छकार समाज में हर बार एक ऐसे व्यक्तित्व को समाज के सामने लेकर आते हैं, उनकी आवाज को हमारी आवाज में शामिल करते हैं, जिन्होंने समाज में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, जो सफाई कर्मचारियों की दशा के ऊपर, दिशा के ऊपर, और तमाम, चाहे वह साहित्य की बात हो, चाहे समाज में काम करने की बात हो, ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से काम करने की बात हो, तमाम जीवन के जो पहलू हैं जिनके माध्यम से सफाई कर्मचारियों के बीच में हम चर्चा करते हैं, एक नाम है आज हमारे सामने दीपमाला। दीपमाला बहुत यंग एज से ही सामाजिक कार्यों में योगदान देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही है, तो आज हम चर्चा की कड़ी में दीपमाला जी से बात करेंगे। दीपमाला जी, मैं डॉक्टर कौशल पवार आपका स्वच्छकार समाज के यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, जय भीम बोलती हूँ। आपका स्वागत है जी। दीपमाला जी, मैं सबसे पहले बहुत खुश हूँ कि आपने इतनी छोटी सी उम्र में ही समाज के लिए एक महत्वपूर्ण काम करने में आप लगी हुई हैं, और मैं बहुत दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमारे चैनल के लिए भी समय निकाला। दीपमाला जी, अपने अपने बारे में बताएं, आपका जन्म कहाँ हुआ, माँ बाप क्या करते हैं, आप किस समुदाय से आते हैं? जी जी दीपमाला जी। जी मैम, मेरा नाम दीपमाला है और मैं गाजीपुर मोहम्मदाबाद से बिलोंग करती हूँ, जो यूपी का एक छोटा सा कस्बा है। और मेरे पापा, जब मैं बचपने में थी तो उस टाइम पापा का जॉब वगैरह कुछ भी नहीं था, मम्मी जो है वो झाड़ू पोछा करती थी, आज भी वो करती हैं, और पापा मेरे स्वास्थ्य विभाग में सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं। और तभी से थोड़ा सा एक संस्था था, सोशल डेवलपमेंट फाउंडेशन, जो दिल्ली से है, उसके डायरेक्टर श्री विद्या भूषण रावत जी हैं, उन्हीं के संपर्क में आए हम। वो एक इंटरव्यूज के लिए आए थे कि आखिर स्वच्छकार समाज का ये पूरा जीवन कैसा होता है, उनकी क्या क्या चुनौतियां होती हैं, और उनके अंदर जो बड़े, जो नई पीढ़ी आ रही है, उनके अंदर क्या सपने हैं, क्या वो भी नाली से जुड़ना चाहते हैं, या उनका कुछ अलग तरीके का सोच है जो अपने समाज से ऊपर उठ के कुछ और भी विकल्प ढूंढना चाहते हैं। तो इसी सिलसिले में सर आए थे हमारे मोहम्मदाबाद क्षेत्र में किसी सामाजिक कार्यकर्ता के माध्यम से, तो उसी दौरान हमारी मुलाकात हुई थी। मैं 7th क्लास में थी उस टाइम पे, और तभी से मैं काफी प्रभावित हुई थी, क्योंकि शुरू से अपने समाज की बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हम झेल रहे थे, खुद अपने परिवार के साथ साथ अपने पूरे समाज को भी हम देख रहे थे, समझ रहे थे कि आखिर हमारे समाज के साथ इतना हद का भेदभाव और इस तरीके की अमानवीय व्यवहार हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, और क्यों आखिरकार हमको ना चाह के भी ऐसे कामों से जोड़ दिया गया, मैला ढोने का काम, नाली साफ करने का काम, गंदगी साफ करने का काम, लैट्रिन साफ करने का काम। तो ये शुरू से ही देख देख के एक दिमाग में बना था पिक्चर कि नहीं यार, ऐसा तो नहीं है, ये तो सब नहीं करता है, तो हमारी ही बिरादरी, हमारे ही लोग इसमें क्यों जुड़े हैं? मेरे पापा को क्या कहीं और काम नहीं मिल सकता था, या मेरी मम्मी को और कोई काम नहीं मिल सकता था क्या? तो ये सारी छोटी छोटी जो दिक्कतें थी, जो बचपने में मेरे दिमाग में घूमने लगी, और मुझे लगा कि अगर मैं बड़ी होंगी तो मैं भी कुछ इस समाज के बदलाव के लिए अपना काम करूंगी, ज्यादा नहीं बदल सकती तो क्या अपने परिवार को, अपने समाज के छोटे से अंश को भी अगर मैं बदल पाऊं तो मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात होगी। और तभी से बाबा साहब के उद्देश्यों को पढ़ने लगी, उनके विचारों को पढ़ने लगी, और पढ़ाई के साथ साथ मैं समाज में भी बदलाव का काम करना शुरू की। दीपमाला, मुझे ये बताएंगे कि आपने पढ़ाई अपनी कहाँ तक की? जी मैम, मैं 12th यूपी बोर्ड से हूँ, और बीए मेरा गोरखपुर यूनिवर्सिटी से है, जो उसका एडेड कॉलेज था बुद्धा स्नातकोत्तर कुशीनगर से, वहां से मैं ग्रेजुएशन की हूँ, और उसके बाद मैं अलाहाबाद यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी से एमए भी किया है। अब फर्दर स्टडी नहीं की दीपमाला आपने? एक्चुअली मैम, मैं पढ़ना चाहती थी, मैं पीएचडी की तैयारी करना चाहती थी, लेकिन उस टाइम पे मैं इलाहाबाद से, सच कहूँ तो वापस नहीं आना चाहती थी, लेकिन कुछ आर्थिक दिक्कतें हो गई और मैं नहीं वो कर पाई, तो फिर मुझे वापस घर आना पड़ा। अभी मैं घर ही पे सेल्फ स्टडी करती हूँ कि
किसी तरह नेट और जेआरएफ का मैं कर पाऊँ कंपटीशन की तैयारी करती हूँ, और उसके साथ साथ मैं अपना एनजीओ से जुड़ के काम भी करती हूँ समाज में अपने विकास के लिए। बहुत बढ़िया दीपमाला। मैं असल में अभी आपसे, जैसे ही आपने कहा कि एमए करने के बाद आप वापस आ गए, मैं आपसे फिर भी ये कहूंगी कि आपको एक तो अपना एमफिल पीएचडी के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। आप दिल्ली अप्लाई करिए, तमाम जितनी भी मदद हमारी तरफ से हो पाएगी मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं बिल्कुल मदद करूंगी आपकी। दूसरी बहुत चीज बहुत ये कि धन्यवाद मैम। आप नेट की तैयारी कीजिए, नेट और जेआरएफ। अगर आपका जेआरएफ हो जाता है तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि स्कॉलरशिप की अच्छी खासी अमाउंट मिलती है आप अगर, और फिर लेक्चरशिप के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई, मतलब आप एलिजिबल हो जाएंगी। तो आपको मुझे, मैं सुजेशन दे रही हूँ ये कि समाज के काम के साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आप अपना विकास पढ़ाई के क्षेत्र में भी और ज्यादा कीजिए, क्योंकि अगर जब जब डॉक्टर दीपमाला लगेगा तो जाहिर सी बात है हम सबको गौरवान्वित महसूस होगा कि आज हमारे लड़कियां, हमारे हमारे बच्चे बाबा साहब अम्बेडकर के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, ऐसी ऊंची हायर एजुकेशन भी लो, जिसे आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं अभी से ही फाउंडेशन के साथ मिलकर, लेकिन साथ ही साथ आपको स्टडी भी कंटिन्यू करनी चाहिए दीपमाला। जी और मैम, दूसरी चीज मैं आपसे ये जानना चाह रही थी दीपमाला, ये मैं बिल्कुल आपको अधिकार सहित बड़ी बहन होने के नाते ये एडवाइस करूंगी आपको बिल्कुल, कि आप अभी निकले हैं 8 जून से दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीएचडी एमफिल के लिए फॉर्म निकले हैं अभी कमिंग 8 जून, तो उसको अप्लाई कर दीजिए आप उसमें टेस्ट की तैयारी कीजिए, साथ ही साथ जेआरएफ और नेट की तैयारी कीजिए ताकि आपका करियर भी बने। दूसरी चीज दीपमाला, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आप बहुत यंग एज में फाउंडेशन के साथ काम कर रही है, जो बहुत कम लड़कियां ऐसी हैं जो कर पा रही हैं, और मैं तमाम महिलाओं से और तमाम हमारी युवा जो लड़कियां हैं उनसे भी अनुरोध करूंगी कि आपकी तरह ही समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। सफाई कर्मचारियों की दशा के ऊपर लगातार जो आप काम कर रही हैं वो, उसके लिए मैं सैल्यूट करती हूँ आपको। बहुत बहुत दीपक, धन्यवाद इन मैम। सारी चीजों से गुजरते हुए कुछ अनुभव भी आपको हुए होंगे, किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा फिर आपको शिक्षा के क्षेत्र में भी और सामाजिक क्षेत्र में भी काम करते हुए? जी पहले तो मैं सामाजिक क्षेत्र की बात करूंगी, क्योंकि जो समाज के विकास के लिए हम एक जब उद्देश्य बनाते हैं, बाबा साहब के मूल्यों को जब अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हमें जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है उसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारी तूफान से जैसे उठ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका परिवार है वो कहीं ना कहीं एक सिस्टमैटिक ट्रेडिशनल तरीके से एक आइडियोलॉजी के साथ जी रहा है, उसमें अगर आप छोटी सी कम उम्र में और वो भी एक लड़की हो के अगर आप बाहर निकलने की बात करती हैं, अकेले यात्राएं करती हैं, अकेले गांव में जाके ग्राम प्रधान से सवाल करती हैं, अकेले जिले पे जाके अधिकारियों से संपर्क में आती हैं, तो इन सारी चीजों का हमारे समुदाय के अंदर बहुत सारे र्यूमर फैलते हैं। लोगों को लगता है कि ये तो अब हाथ से निकल गई, ये तो कुछ लड़की एडवांस हो गई, और ये तो अब बस में आने से रही। तो इस तरीके की जो एक चरित्र के ऊपर आपका जो लोगों का एक सीधे प्रहार रहता है वो काफी पेनफुल रहता है इंडिविजुअली के। मेरे लिए तो ये सारा दिक्कत नहीं था, क्योंकि मैं इसमें कभी भरोसा नहीं की, ना ही लोगों की बातों से सुन के मैंने कभी अपने काम को रोका। लेकिन अगर आप एक परिवार से बिलोंग करते हैं तो आपके पापा को उसका फर्क पड़ता है, आपके मम्मी को उसका फर्क पड़ता है, और एक समाज का जो उनके अंदर डर रहता है कि चाहे कुछ भी हो रहना तो हमको समाज के साथ ही है। तो ये सारी जो एक विचार था वो कहीं ना कहीं मुझे काफी चुनौतीपूर्ण लगा अपने इस सर्कल में आने के लिए। दूसरी चीज एक ये भी है कि जब हम एनजीओ सेक्टर की बात करते हैं तो एनजीओ सेक्टर में जैसे ही हम एंट्री करते हैं कि नहीं हमारे पास एक बहुत सारा ऊर्जा है, हम यूथ हैं, हम अपने कम्युनिटी को बहुत सारा बदलाव दे सकते हैं, और उसके लिए हमारे पास पूरा परिश्रम करने का भी एक चाहत है, इच्छा है, लेकिन उसके अंदर भी क्या होता है कि जो पुरुष डोमिनेंट वाला जो लीडरशिप है उसमें भी आपको काफी तरीके से रोका जाता है। कहीं ना कहीं वहां पर भी आपको एक ऐसे चीजों को दिखाया जाता है कि तुमको याद रखना चाहिए कि तुम एक लड़की हो, तुम ये चीज नहीं कर सकती, तुम काफी उड़ रही हो।
तो इस तरीके की जो टोन है वो हमारे विश्वास को, हमारे जो काम है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर कमजोर बना देते हैं। और ये भी हम कह सकते हैं कि काफी सारे एनजीओज ऐसे हैं जो अपने ही समाज के जो रूढ़िवादी विचारधारा है उसी में संलग्न के साथ वो एक मॉडल के रूप में तो काम करते हैं कि हम समाज के विकास के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनका जो करेक्टर है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, वो कहीं ना कहीं पुरुषवादी होती है, ब्राह्मणवादी होती है और महिला विरोधी होती है, जिसकी वजह से मैं ये जानती हूँ कि काफी लड़कियां चाह कर भी इस समाज के लिए काम नहीं कर पाती हैं, आगे नहीं बढ़ पाती हैं, क्योंकि उनको इस समाज के साथ साथ ऐसे एनजीओ सेक्टर के लोगों से भी खतरा है जो उनको बढ़ने नहीं देते हैं और उनको हमेशा उनके पाँव को रोकते हैं, उनको दबाने का कोशिश करते हैं। दीपमाला, मैं ये भी जानना चाह रही थी कि आप जैसे जैसे पढ़े, आपने हायर एजुकेशन भी ली है, ग्रेजुएशन भी आपने गांव से बाहर निकल के की और एमए भी आपने जी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से की, वहाँ क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? मैंने जब शुरुआत से 12 के बाद जब मैं बाहर गई तो मुझे लगा कि थोड़ा सा, क्योंकि परिवार तो सपोर्ट करने लायक नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे पापा का मेरा जॉब भी नहीं था और घर के खर्चे के लिए पूरा पैसा नहीं हो पाता था, तो बाहर जाके पढ़ना तो हमारे लिए असंभव ही था। लेकिन विद्याभूषण रावत सर के मदद से, उनके एनजीओ ने हमको स्कॉलरशिप दिया और उन्हीं के फीस के मदद से हम बाहर निकले थे। हमारा पूरा खर्चा महीने का वही लोग देते थे और उसके बदले में मैं जो भी हो सकता था उनके सहयोग के लिए काम करती थी। उनके सहयोग के लिए नहीं, मेरा खुद दिली इच्छा था उनको देख के कि एज ए आइडियल पर्सन हमारे समाज के लिए जब ये इतना सोच रहे हैं तो मैं तो खुद उसी समाज के लिए हूँ, उसी से हूँ, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। और उनको देख देख के बाकी आप जैसे लोगों से भी हमारी काफी मुलाकातें हुई, तो मुझे काफी इन सभी लोगों का प्रभाव पड़ा कि नहीं, अपने समाज के लिए करना है। यहाँ पे इलाहाबाद में दिक्कतें हुई, गोरखपुर में दिक्कतें हुई, काफी दिक्कतें हुई पैसा का, अरेंजमेंट का, बुक्स के लिए, तो उन सारी चीजों में वही संगठन जो सोशल डेवलपमेंट फाउंडेशन है उसने हमारा सहयोग किया और उसी के मदद से मैं इतना हायर उच्च शिक्षा तक जा पाई थी। बाकी तो मेरे बस की भी बात नहीं थी और मेरे परिवार की भी इतनी क्षमता नहीं थी। बिल्कुल, विद्याभूषण रावत जी से तो मैं खुद संपर्क में आई थी जब मैं दिल्ली में आई, तो उनके डेडिकेशन को देख के वाकई मुझे खुद भी, अभी पिछले दिनों हमारे चैनल पे भी उन्होंने बात की है सफाई कर्मचारियों की, और बहुत शिद्दत से उन्होंने काम किया है और आप तो उदाहरण ही है कि आपके करियर में बहुत बड़ा योगदान विद्याभूषण रावत जी का रहा। हम लोग ऐसे जो हमारे पर्सनैलिटी हैं जो समाज में के इतने सार्थक रूप से पहल कर रहे हैं, हम स्वच्छकार समाज की आवाज से की तरफ से विद्याभूषण रावत जी का धन्यवाद भी देना चाहेंगे। दीपमाला, मुझे ये बताइए कि कोई ऐसा अनुभव जो आप साझा करना चाहें आप हमारे दर्शकों के सामने, जो आप एक मैं तरह जो काम कर रही हैं, कोई ऐसा अनुभव हमारे बीच में जो आपको बहुत कड़वा महसूस हुआ हो, या कोई ऐसी घटना जिससे आपने बहुत आंदोलित किया हो, ऐसा कुछ? जी मैंने जब एक सर्वे हम लोग कर रहे थे उस टाइम पे हम लोग देख रहे थे कि अपने जिले के अंदर हमारे स्वच्छकार समाज की कितनी महिलाएं आज भी मानव मल ढोने का काम कर रही हैं। तो उस दौरान में मैं गांव 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 जा जा के और उनका एक लिस्ट डाउन कर रही थी कि हर गांव से मैं 20-25 जो औरतें थी जो उस काम को कंटिन्यू कर रही थी उनसे भी मैंने काफी बात किया कि आप क्या ये काम करना चाहते हो, ये आपकी खुशी है, या अगर आपको इसका विकल्प भी मिल जाएगा तो क्या आपका ये परंपरागत पेशा है इसलिए आप ये जोड़ना चाहेंगे। तो ज्यादातर महिलाओं का यही कहना था कि हम क्यों ये इतना गंदा काम करें, हमारा ये मजबूरी है कि हमारे पास रोजी रोटी का कोई साधन नहीं है, ग्राम प्रधान है वो भी बड़े बड़े पार्टियों के साथ संपर्क में रहते हैं, उनके नजर में भी हमारी कोई वैल्यू नहीं है। जिले पे अगर अधिकारी से हम बात करते हैं तो हमारे लिए काफी योजनाएं हैं लेकिन वो योजनाएं हम तक कभी पहुंची ही नहीं है, अगर एक दो को मिल भी जाती हैं तो एक दो के मिलने की वजह से उसका प्रभाव तो पूरे समाज को नहीं पड़ेगा। इसलिए मुझे लगा कि ये सारी जो हमारी समाज की एक बहुत बड़ी चुनौती है, कहीं ना कहीं पॉलिसी लेवल पर भी इसको बदलने की जरूरत है। जो अधिकारी लोग कानून बनाते हैं हमारे स्वच्छकार समाज, चाहे वो 1993 का कानून हो या 2013 में जो संशोधन हुआ है जो स्वच्छकार समाज से संबंधित कानून है,
उसमें हम देख रहे हैं कि सरकार की जो रणनीति है पुनर्वास के लिए वो काफी एक स्ट्रक्चर है जिसमें एक लगता है झलकता है कि हाँ ये न्यायपूर्ण है, लेकिन जब आप फील्ड में आते हैं जमीनी स्तर पे आते हैं तो आपको हकीकत का पता चलेगा कि उनको कितना पुनर्वास का फायदा हो रहा है और कितने उनके पास विकल्प आ रहे हैं, वो 40,000 रुपया उनके लिए कितना सार्थक साबित हो रहा है, ये आप और हम अच्छी तरह समझते हैं। तो मुझे लगता है कि जो हमारी महिलाएं खासकर दोहरे जो संक्रमण है उसका शिकार हुई हैं, एक तो अपने परंपरावादी समाज से भी जा रही हैं और दूसरी उनके सर पे ऐसा परंपरागत पेशा थोप दिया गया है जिसके वजह से उनकी जिंदगी नर्क 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 के समान हो गई है। तो ये जो अनुभव था मेरा बहुत ही एक तरीके का असहनीय है और मैं चाहती हूँ कि ऐसे महिलाओं के लिए एक ऐसा कानून बने या ऐसी पॉलिसी आए जो उनको एक सम्मानजनक पुनर्वास की बात करें। सम्मानजनक इन द सेंस कि उनके नाम से कुछ जमीनें हो जिसपे वो खुद मजदूरी करें, किसी और बामन ठाकुर के घर पे मजदूरी करने न जाए, अपने खेत में मजदूरी करें, अपने परिवार को पालें। क्योंकि काफी हमारे समाज में एक दिक्कत है शराब पीने की भी, हमारे काफी ऐसे परिवार हैं जो शराब से प्रभावित हैं और कहीं ना कहीं शराब उनके जीवन का सबसे बड़ा एक कारण भी है पीछे होने का। तो उस दशा में महिलाओं के पास कोई विकल्प नहीं रहता है, अपने पति को छोड़ के मायके जा नहीं सकती, ससुराल में रह रही हैं तो पति का पीना पीने का खर्च भी उठाना है, बच्चों का पेट का खर्च भी उठाना है और समाज के जो बड़े लोगों हैं उनके दिक्कतों का और उनके भेदभाव का उनके अत्याचारों का सामना भी करना है। तो ये तीनों चारों जो चीज हमने बताई है वो काफी सेंसिटिव है हमारी कम्युनिटी के लिए। सरकार को ऐसे मैकेनिज्म बनाने चाहिए जो हमारे समाज को नाली और सीवर से दूर करके एक सभ्य समाज की तरफ, सभ्य आर्थिक जो व्यवस्था है जो स्ट्रक्चर है उसमें कहीं ना कहीं उसको जगह देनी चाहिए। हमारे समाज का तभी एक अच्छा विकल्प बनेगा और हमारे जो स्वच्छकार समाज की नई लड़कियां हैं जो नहीं चाहती हैं, नई युवाएं हैं वो नहीं चाहते हैं कि उनके माता पिता उन नाली साफ करें, उनके माता पिता मैला ढोने का काम करें। तो ऐसे लोगों के जो एक सपना है उसको साकार करने में हमारी सरकारें, हमारी पॉलिसी उनका योगदान दे सकती हैं। मुझे लगता है कि अगर 5 एकड़ जमीन हमारे उन सभी परिवार को मिले जो जिनकी महिलाएं काम कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि नाली से सीवर से हमारा नाता थोड़ा सा कमजोर पड़ेगा और आने वाले टाइम पे एक अच्छे समाज का विकास होगा। बहुत बढ़िया जी, आपने इतना मतलब अच्छा बुनियादी जरूरत जो सफाई कर्मचारियों की है उसके ऊपर बात की। रियली मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही है आपसे बात करने की, लग रहा है कि आपसे धन्यवाद। मुझे भी मैम बहुत अच्छा लग रहा है। मैं गाजीपुरा हूँ, आपसे जरूर मिलूंगी। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है मैम चैनल के माध्यम से। और मेरे लिए इस बात की भी खुशी है कि हम लोग इतनी दूर से बैठ के आमने सामने ऐसे बात कर रहे हैं। यस मैम, यस हमें बहुत सहयोग मिल रहा है। अच्छा दीपमाला, मुझे मेरे तमाम व्यूअर्स को, हमारे जो लोग आप हमारी बातचीत को देख रहे हैं उनको या युवा लड़कियों को खासकर आप क्या संदेश देना चाहेंगी स्वच्छकार समाज की लड़कियों को? मेरा यही कहना है कि हमारे सभी समाज के जो युवा साथी हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, क्योंकि मैं कभी भी किसी जेंडर फोकस बात नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि समाज के दोनों पक्ष को साथ लेके और एक नई रणनीति बना के अगर हम काम करें तभी समाज में बराबरी आएगी। क्योंकि हमारे साथ जो भेदभाव करने वाला जेंडर है वो मेल मेंबर है, अगर उसके साथ हम ऐसे ही रिवेंज की भावना में काम करें तो कभी हम सफल नहीं होंगे। क्योंकि बाबा साहब भी हमारे महिला पुरुष सबकी समानता की बात करते हैं। समानता इन द सेंस हमारे लिए है कि सभी को साथ लेके चलना है। तो मेरा यही मानना है कि समाज के अंदर अगर हम रह रहे हैं, ये जीवन बहुत अनमोल है, अगर हम अपने समाज के लिए शादी ब्याह से ऊपर उठ के थोड़ा सा समाज के बदलाव की भी चिंता कर लें तो काफी बेहतर होगा। शादी की जो दबाव है वो सभी के जीवन में होता है, लेकिन इंसान को अपनी प्राथमिकताएं तय करने की जरूरत होती है कि मेरे समाज के लिए या मेरे खुद के जीवन के लिए प्राथमिकताएं क्या है। क्या शादी हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है या उसके लिए अभी टाइम है, अभी जो टाइम है उसमें हम कुछ और भी कर सकते हैं। तो ये जो एक विचारधारा है उसको अपनाना चाहिए और मुझे लगता है कि हमें कहीं भटकाव से दूर होके हमें शिक्षा के आधार पे आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि शिक्षा ही एक माध्यम है आपको लोगों से मिलने की एक जो शक्ति देती है,
और आपका जो विचारधारा है उसको पूरे स्तर पे बड़ा करती है। तो आपको चीजों को मूल्यांकन करने का एक एक्सपीरियंस होता है, आपके पास एक मैकेनिज्म होता है कि आप वाकई में समाज को एनालाइज कर सकते हैं, उसके लिए कुछ कर सकते हैं। हेलो, रिकॉर्डिंग तो हो रहा है। नेट तो है। फोन करो तो मानते नंबर वाला है। हेलो हेलो दीपमाला। हाँ हेलो, बीच में। हाँ हाँ, बीच में कट गया, तो वही मैं सोच रहे थे कि क्या हो गया, इधर से कुछ नहीं हुआ था, उधर ही से हो गया था। हाँ पता नहीं कैसे हुआ। खैर एनीवे, हाँ जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी अपने समाज के जो नए नए पीढ़ी हमारी जो है युवा साथियों को, कि समाज में करने के लिए बहुत कुछ है और अपने बदलाव की जिम्मेदारी भी हमें ही लेनी होगी, क्योंकि अगर हम इंतजार करेंगे कि हमारे लिए कोई आएगा और हमारे समाज का उद्धार करेगा, या बाकी ऐसे भी जो हमारे समाज से निकले लोग हैं वो बहुत आगे जा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत सारे संघर्ष का सामना किया होगा, बहुत सारी दिक्कतें झेली होगी, तो अपने समाज के अंदर भी जो छोटी मोटी खामियां हैं उसको हम ही को दूर करना होगा, तभी जाके हम एक अच्छा समाज का निर्माण कर पाएंगे। और दूसरी एक चीज है कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी हमको समझने की जरूरत है। हम जिस भी क्षेत्र में हैं, जहाँ पे भी हैं, जिस स्थिति में हैं, वहाँ पे एक अवसर होता है हमको कि उसी में से हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, तो वो एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए अपने समाज के प्रति, अपनी दशा को बदलने के प्रति हमारे अंदर उत्सुकता होनी चाहिए, हमको अपने समाज का जो दर्द है उसको समझना चाहिए और उस दर्द को समझ के उसके लिए जो भी हमारा योगदान हो सकता है उसको हमको ईमानदारी के साथ देना चाहिए। दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारे काफी ऐसे संगठन हैं जो बड़े स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रहे हैं, तो उन सारे संगठनों को भी मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो संगठनों को भी सिर्फ दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में सिमट के काम करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि हमारे भारत की ज्यादातर जनसंख्या गांव में निवास करती है, तो गांव के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो आज भी 70 साल पुराना ही है, आजादी से पहले ही हम यहाँ पे जीवन जी रहे हैं, भले ही एडमिनिस्ट्रेटिव है, अधिकारी है, सारी व्यवस्थाएं आधुनिक है, लेकिन हमारी जो जीवन शैली है, हमारी जो मानसिकताएं हैं और हमारे जो सोशल जो कास्ट सिस्टम का स्ट्रक्चर है वो सारा का सारा आज भी गाँव में उसी तरीके से फल फूल रहा है और लोगों का शोषण कर रहा है।
तो ऐसे स्थिति को बदलने के लिए हमको शहरों से उतरना होगा, जमीनी हकीकत से जुड़ना होगा और उसके बदलाव के लिए भी हमको काम करना होगा। और ऐसे जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिनको कोई अवसर नहीं मिल पा रहा है, जिनको साथ नहीं मिल पा रहा है, उन ऐसे लोगों को, ऐसे सभी युवाओं का, उन सभी बड़े संगठनों को मुझे लगता है साथ देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, ताकि उनको ये ना लगे कि वो अकेले हैं, उनके साथ कोई नहीं है। तो मुझे लगता है कि जब हम एक कोलैबोरेशन सिस्टम से काम करेंगे और शहर और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ के जब युवाएं मिल के काम करेंगे, तो जरूर इन गाँव की दशा बदलेगी और हमारे जो स्वच्छकार समाज की दशा है वो भी बेशक बदलेगी। बहुत बढ़िया दीपमाला, मेरे पास शब्द नहीं है, आप इतनी छोटी सी लगती हैं और आपने इतनी महत्वपूर्ण चर्चा हमारे साथ की। हालांकि मेरे यहाँ से नेटवर्क आज शायद प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन इतनी सार्थक चर्चा थी, मैं इसको और ज्यादा आगे बढ़ाना चाह रही थी, लेकिन मैं एक बार फिर आपको फिर लूंगी दोबारा से। आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं और दोबारा फिर आपसे मुलाकात जरूर होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं डॉक्टर कौशल पवार दीपमाला का बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ और आपके लिए मेरी ढेर सारी मंगल कामनाएं हैं। आप और अच्छा काम करें समाज के लिए और अपने लिए, परिवार के लिए। आपने ये भी साबित किया है कि बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं होता। अगर आप अपने समाज के लिए इतना बड़ा काम कर सकते हैं तो ये हमारे लिए वाकई रोल मॉडल है। मैं आपको सैल्यूट करती हूँ आपके काम को। और आज की चर्चा में बस इतना ही, एक बार फिर अगली मुलाकात हमारी ऐसी ही पर्सनैलिटी से होगी। तब तक के लिए आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय भीम, जय भारत।